मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। कल हमने पढ़ा था कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत और आज हम पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। ठीक है, तो अब देखिए उसका वर्ग संघर्ष का सिद्धांत क्या है। कार्ल मार्क्स की विचारधारा में वर्ग संघर्ष की धारणा को विशेष स्थान प्रदान किया गया, मतलब कि उसने जो भी अपनी पुस्तकें लिखी हैं उसमें उसने वर्ग संघर्ष को एक विशेष स्थान प्रदान किया गया। उसकी जो भी सिद्धांत है वो भी किसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, उसकी वर्ग व्यवस्था, जो भी उसने वर्गों की व्यवस्था की है उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। अब वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग का मतलब उसने ऐसे बताया है कि वर्ग क्या होते हैं, कुछ विशेष कुछ व्यक्ति मिलकर एक वर्ग बनाते हैं जिनके जो हित होते हैं, मतलब कि जिनको जिनकी जो ज़रूरतें होती हैं, जिनकी सोचने की जो शक्ति होती है वो सब एक तरह की होती है। तो उन्होंने जो कार्ल मार्क्स थे उन्होंने मेन रूप से कितने वर्गों को अपने उसमें लिया है, दो वर्ग। मतलब कि उन्होंने बताया कि हर सोसाइटी में जितनी भी व्यवस्थाएं होती हैं, कैसा भी सामाजिक जीवन हो, उन सभी में हर दो तरह की व्यवस्थाएं पाई जाती है, किसी न किसी रूप में दो तरह के वर्ग पाए जाते हैं। बेसिकली कौन कौन से वर्ग बताए थे? एक तो होता है पूंजीपति, समझदार वर्ग होता है, और एक वर्ग उन्होंने बताया श्रमिक, जिसे उन्होंने क्या बोला, सरकार वर्ग। तो बेसिकली उनका दो वर्ग उन्होंने बताया था, एक तो पूंजीपति वर्ग और दूसरा सर्वहारा वर्ग, मतलब कि एक अमीर एक और गरीब। उन्होंने बोला कि ये जो वर्ग इतिहास है हमारा वो वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है, मतलब कि ये जो वर्ग संघर्ष है इन दो वर्गों में हमेशा संघर्ष चलता रहता है, क्योंकि इन दोनों के जो हित होते हैं वो हमेशा आपस में बहुत ही अलग होते हैं, और अलग हित होने के कारण दोनों का आपस में क्या होता रहता है, टकराव होता रहता है। इन दोनों की जो सोच होती है वो भी आपस में नहीं मिलती। एक तो है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, जो कैपिटल का जो फ्लो है वो एक ही तरफ जाता है किसी के पास, और जो दूसरा वर्ग है हमारा श्रमिक वर्ग, इनके पास पैसा बहुत कम है, तो इनको दोनों के हित अलग ही हुए। ये क्या चाहता है? ये चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा लें और मजदूरी हमें बहुत कम से कम मजदूरी देनी पड़े मजदूरों को, जबकि मजदूर क्या चाहते हैं कि हमें अधिक से अधिक मजदूरी मिले जिससे हम अपने जीवन की जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो पूरी कर सकें, अपने अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें एटलीस्ट। तो इनके जो हित होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। दोनों ही अपने हितों के लिए क्या करते हैं, आपस में इनका क्या होता रहता है, हमेशा संघर्ष होता रहता है, कभी खुले तौर पे संघर्ष होता है, कभी छिपे तौर पे। लेकिन कार्ल मार्क्स के द्वारा उनका ऐसा मानना है कि जो ये वर्ग है इनमें संघर्ष हमेशा होता रहता है, इसीलिए उनका जो फेमस कोट है, उनकी जो एक बहुत फेमस जो बुक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उसमें उन्होंने लिखा था कि जो इतिहास है वो कैसा इतिहास है, हमेशा वर्ग संघर्ष का इतिहास है। उन्होंने क्या बोला कि ये जो वर्ग होते हैं ये क्या करते हैं, हमेशा इनकी संख्या कैसी होती है, इनकी संख्या हमेशा कम होगी, पूंजीपति हमेशा कम होगी और इनकी संख्या हमेशा ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पूंजी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन जो है उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और जो ये जो वर्ग बनते हैं वो किसके आधार पर बनते हैं, उत्पादन के जो साधन होते हैं और उत्पादन का जो व्यवस्था होती है उसके आधार पर, जैसे कि भूमि हुई, भूमि और पूंजी। तो ये क्या है, उत्पादन के साधन है, भूमि से उत्पादन होगा, पूंजी से, और ज्यादा पूंजी जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो ये सारे उत्पादन के साधन है। तो इनपे किसका प्रभुत्व स्थापित होता है, हमेशा पूंजीपति होगा, पूंजीपति इन पे अपना प्रभुत्व स्थापित किए रखते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि वर्ग इसी के आधार पे बनते हैं कि इन पे जिनका प्रभुत्व होगा वो पूंजीपति होंगे, और पूंजीपति क्या चाहते हैं, और ज्यादा से ज्यादा अपना फायदा बढ़ाना चाहते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा अपनी पूंजी को इन्वेस्ट करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब जैसे जैसे, अब देखिए जैसे जैसे वो उत्पादन बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे उन्हें मजदूर की जितनी से उतनी ज्यादा मजदूरों की आवश्यकता होगी ना, तो मजदूरों की संख्या इसलिए ज्यादा हो जाती है और पूंजीपतियों की संख्या हमेशा कम रहती है। अब जैसे जैसे वो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करेंगे तो उस उत्पादन को जब
किया था कि ऐसा कभी होगा। इसी आधार पर बहुत से विद्वानों ने उनकी क्या की है, आलोचना भी की है, लेकिन फिर भी उनका वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है वो उस टाइम में जब उन्होंने दिया था बहुत ही रेलिवेंट था। उस टाइम में वास्तव में पूंजीवादी